आज जो है ना गाइस फिर से 200-200 नहीं, इस बार 300-300 होना है फिर एक बार। गाइस आज 28 तारीख है और आज के दिन जो है ना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। गाइस यहाँ से जो है हमें पड़ेगा दुर्ग हेमचंद यूनिवर्सिटी, बहुत लोग आए हैं यार। गाइस कुछ इस तरह का जो है अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, देख रहे हो कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे। सो गाइस सारे जो है ना छात्र मौजूद है यहाँ पे। शुरू करते हैं आज के इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल ना फिर दिमाग शुभेंद्र की नमस्कार। नया दिन नया ब्लॉग, कुछ इस तरह जो है आज का हमारा चालू हो रहा है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी और खासकर सभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए, क्योंकि गाइस आज मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट के लिए, देखते कितने संख्या में स्टूडेंट्स मिलेंगे वहाँ पे। ऐसे भी जो भी रहेगा आप लोग को इन दिस ब्लॉग तो पता चल जाएगा, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक इसी तरह मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिएगा। ऊपर से गाइस 11 बजे का टाइमिंग था, मुझे पता नहीं मैं वहाँ पे कितने देर में पहुंचूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना मैं साइकिल में हूँ, वो भी दुर्ग जाना है गाइस, दुरुग आम बात नहीं है। और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ पिछली बार की तरह। जी हाँ गाइस पिछले बार जो है ना मैं 2 घंटे लेट हो गया था दुर्ग में पहुंचने के लिए। आज जो है ना गाइस फिर से 200-200 नहीं, इस बार 300-300 होना है फिर एक बार। साथ लीजिए अपन पहुंच गए हैं दुर्ग फ्लाईओवर के पास, अब फटाक से इसे भी क्रॉस करते हैं। चलो भाई चलो। ऐसे हवा भी कितनी तेज आ रही है यार, पता नहीं मेरी वॉइस ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को, आई होप सो कि ठीक से आ रही हो। गाइस आज 28 तारीख है और आज के दिन जो है ना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, उससे रिलेटेड जो ना आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा इतने टाइम में आना है। और आज के दिन कुछ इस तरह का जो है ना प्रोटेस्ट हो रहा है, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। देखो अपन पहुंच गए छोटे ट्रैफिक चौक के पास, अब इसे भी जो है ना जल्दी से पहले क्रॉस करते हैं आगे बढ़ के। अब जो है ना गाइस पैडल मारने की जरूरत नहीं है, नहीं अब साइकिल भागी की बॉस, अपने डायरेक्ट जो है ना यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। और इसी के साथ अपन दुर्ग में जो है एंटर हो चुके हैं। चलो फाइनली पहुंच तो गए, इतनी ट्रैफिक देख रहे हो, जल्दी से पहले क्रॉस करते भाई। चलो यार चलो 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 चलो। गाइस यहां से जो है हमें पड़ेगा दुर्ग हेमचंद यूनिवर्सिटी, और ये देखो पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि समझ रहे हो क्यों मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लोग कितने सारे लोग आए, धीरे धीरे करते करते आ रहे, सही है बहुत सही है, बहुत लोग आए हैं यार पिछले बार से ज़्यादा, देख रहे हो हर एक कॉलेजेस के। पहले गाइस अपनी हायाबूसा को पहले पार्क कर देते भाई। गाइस 10-15 मिनट लेट जरूर हो गया, लेकिन पहुंच जरूर गए यूनिवर्सिटी के पास। अभी स्टार्ट नहीं हुआ जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, धीरे धीरे करते करते सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं और एकजुट होंगे। अब देखो नहीं रहना बस, पुलिस की एक और एक जीप आ गई है देख रहे हो। एंड गाइस ये रहा हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी का मेन गेट, और ये सारे स्टूडेंट्स, और अंदर देखो पूरी पुलिस फोर्स, यानी कि देख रहे हो अभी और आ रही है धीरे धीरे करते करते। गाइस देख रहे हो अब जो है ना धीरे धीरे करते करते चालू हो रहा है। लेना होगा लेना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो गाइस छात्र जो है ना अभी देखो मेन गेट के ऊपर चढ़ गए हैं, कुछ इस तरह का जो है ना अभी प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए, कुछ इस तरह जो है मांगे हैं। और मैडम जो है अभी तक बाहर नहीं आ रही है। गाइस
पास लगातार प्रदर्शन जारी है और कुछ इस तरह का, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो और जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे हैं और अंदर साइड भी बैठे हैं, यानी कि फुली प्रोटेक्शन के साथ, यानी कि कुछ भी जो है ना रिस्क नहीं ले सकते इस वजह से। लेकिन हमारी जो है ना मांगे, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा उस तरह जो है ना नहीं लागू की जा रही, तो कुछ इस तरह का जो है ना अभी प्रदर्शन हो रहा है। गाइस आज मौका मिल गया अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ना आप लोगों से मुलाकात कराने का, कुछ इस तरह का है। देखो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़, और यही है हमारा प्यारा सा यूनिवर्सिटी। लेकिन फिलहाल अभी जो है अपना ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। मास्टर वाले लोगों का जो है ना ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन अपना जो है ना ईयरली वाले लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं किया गया। और वो देखो वहाँ पे जो है ना प्रोटेस्ट चल रहा है और सारे पुलिस ऑफिसर जो है ना वहाँ पे मौजूद है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जूम करके, तो ये देखिए कुछ इस तरह का हाल है अभी मेन गेट के पास, देख रहे हो लाइन से पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं और कुछ लोग जो है मेन गेट के सामने हैं। अब देखो किस तरह का जो है व्यू मिलता है देखने को। लेकिन गाइस किसी भी कीमत पे जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को जो है ना लागू कराना ही होगा सारी स्टूडेंट्स को जो है मिलकर। देखो कितने लोग आते हैं धीरे धीरे करके, वैसे भी तो लोग आ ही रहे हैं, बस अपना ये ना प्रोटेस्ट जारी रहे आखिरी तक। और इसलिए जो है ना सारे स्टूडेंट्स और मैं भी यहाँ पे जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त जस्ट मेरे पीछे जो है ना सारे साइंस कॉलेज वाले आ रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए। तो चलो आप लोगों को मैं उस साइड लेके चलता हूँ और ऑल ओवर जो है ना थिंग्स दिखाऊंगा कि किस तरह जो है प्रोटेस्ट करे, तो बने रहिएगा। गाइस कुछ इस तरह का जो है अभी प्रोटेस्ट हो रहा है सारे साइंस कॉलेज वाले और एनएसयूआई वाले, एनएसयूआई वाले देखो हम एक है, देख रहे हो कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे। काफी सारे स्टूडेंट्स आए इस वक्त मौजूद है, यानी कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का जो है ना इस वक्त जो है लागू करेंगे। सो गाइस सारे जो है ना छात्र मौजूद है यहाँ पे हेमचंद यूनिवर्सिटी के पास और कुछ इस तरह का जो है देखो प्रदर्शन कर रहे सारे एनएसयूआई वाले, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का जो है कुछ इस तरह का जो है प्रदर्शन हो रहा है। कितने संख्यों में देखो अभी छात्र आए हैं और छात्राएं भी आए, किसी भी कीमत पे जो है ऑनलाइन एग्जाम करवाना ही होगा। एंड गाइस आधे जो है ना छात्र गेट के ऊपर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत ही जमकर जो है प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त गुरु हेमचंद यूनिवर्सिटी के पास। और ये जो प्रोटेस्ट है काफी दिनों से चल रही है और सारे स्टूडेंट जो है लगे हुए हैं, किसी भी कीमत पे जो है ना ऑनलाइन एग्जाम कराना ही होगा इनको। तो देखो आधे स्टूडेंट्स ऊपर चढ़ गए, यानी कि किसी भी हाल पे जो है ना ऑनलाइन एग्जाम करवाना ही होगा। यार मैंने सोचा नहीं था इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बहुत ही संख्या में देख रहे हो। तो भाई सारी छात्राएं देखो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है
गुरु भीमचंद यूनिवर्सिटी के पास। आधा जो है ना गर्ल्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आधे जो है ना बॉयज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा मिक्सअप हो गया है। लेकिन सभी की जो है ना एक ही मांग है, ऑनलाइन एग्जाम होना। कि गाइस साल भर जो है ना ऑनलाइन एग्जाम लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है ऑफलाइन एग्जाम ले रहे, कुछ इस तरह का जो है प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। देखो लाइन से जो है ना पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। तो भाई स्टूडेंट्स जो है ना अपना इश्यूज बता रहे हैं, और यहाँ पे देखो रिपोर्टर्स लोग जो है अभी सारे क्वेश्चंस जो है पूछ रहे हैं कि किस तरह जो है कंडक्ट कराना है ऑनलाइन एग्जाम और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह। देखिए विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल आने के बाद से ही लगभग जो एजुकेशन की जो सिलेबस स्टेटस है उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। जो पढ़ाइयाँ थी वो ऑनलाइन तरीकों से की जा रही थी, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो एग्जाम को मैनुअली कराने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके लिए दुर्ग में विरोध हो रहा है, एसयूआई और छात्रों का विरोध हो रहा है। ये बताएंगे कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे और किस तरह से तैयारी कर रहे थे और उसमें हुआ क्या था? आज हमने सब छात्रों के बात लेकर हमने आज ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रदर्शन किया यूनिवर्सिटी। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि क्या बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है पूरा, तो उस हिसाब से हमें ऑनलाइन परीक्षा भी होनी चाहिए कि कभी कॉलेज स्कूल खुल रहा है तो कभी बंद हो जा रहा है। हमारा कहना ये था कि परीक्षा भी हमारी ऑनलाइन दिया गया, और अब कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, जिनके वहाँ नेटवर्क जो गांव-गांव के दूर दूर के थे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में सर बहुत डिफरेंस होता है, ये बात सब जानते हैं। और हमारा बहुत सारों का यहाँ पे फार्मेसी का कोर्स है, किसी का बायोटेक का है, किसी का बीसीए का है। आप लोग कन्फ्यूज कहाँ? सर हम लोग कन्फ्यूज इस चीज़ में कि साल भर पूरा ऑनलाइन हुआ, लास्ट मोमेंट में यूनिवर्सिटी ने पूरा चेंज कर दिया, ऑफलाइन मोड में डाल दिया। जब पूरी शिक्षा ऑनलाइन की गई है तो लास्ट मोमेंट में आप ऑफलाइन क्यों ले रहे हो? और जब हम ये कह रहे हैं कि जब सेमेस्टर वालों का ऑनलाइन हो सकता है, उनका ना पोस्टपोन करके जब उनका ऑनलाइन है, टेक्निकल विश्वविद्यालय CHP2 अपना ऑनलाइन परीक्षा ले सकता है, तो हम वार्षिक परीक्षा वाले क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन? मुझे यही पूछना है। तो आप लोगों की जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हुआ होगी उसका सीन कैसा रहता था? कैसे पढ़ाई मतलब कैसे कराते थे लोग, और उसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे, और पढ़ाई का स्तर कैसा रहता? मिनिमम अगर क्लास में अगर 75 स्टूडेंट्स है उसमें से करीबन 25 या करीबन 15 रहते थे, आधे लोग पूरा। और सर मतलब कैसे समझ में आया? नुकसान हुआ है, आधा टाइम तो नेटवर्क नहीं आ रहा है मैम, आवाज़ नहीं आ रहा है, आधा टाइम इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोग रहते हैं उनको बहुत। यहाँ पर जो लोगों को पढ़ाई के लिए जो इंस्पेक्टर बनाया गया उसमें दिक्कत कहाँ पर आई? ऑनलाइन क्लास हमारी होती थी, लेकिन कभी सुबह दे दिया जाता था, कभी शाम को, हमें टाइम टेबल नहीं दिया गया। ऑनलाइन क्लास में जाए तो कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते थे। अच्छा, अगर अभी पद्धति चेंज कर दी जाती तो आप लोगों को सहूलियत होगी? एग्जाम अगर ऑनलाइन होगा जी, हम लोग इसको सेटिस्फाई हैं। मतलब ऑनलाइन एग्जाम वापस मोड पे ले लेती है कि आप लोगों को ऑनलाइन अगर जाए तो उसमें सहूलियत होगी? आप बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि
ये सेशन बस ऑनलाइन दिया जाए, अगले सेशन से आप ऑफलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपने ऑनलाइन पढ़ाई लिया है, पढ़ाई करवाया है, छात्रों को बोला है ऑनलाइन दिया जाएगा, तो आखिरी मोमेंट में डिसीजन ये क्यों चेंज किया जा रहा है? हम इसी के खिलाफ हैं। जैसे जैसे जो स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो आप लोग क्या वहाँ तक की बात होते हैं? जी सर, वहाँ तक अपने जो है ना हम लोगों ने बात पहुँचाई है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी हमारी बीच में जो है ना टाल रही, गैप दे दे के आज बताएंगे कल बताएंगे, इसी तरह जो है टल रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या करें? यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करेंगे आप लोगों के बीच। जो परीक्षा है वो कितने दिन का गैप बन जाएगा? प्रैक्टिकल अभी चालू हो गया है और मेरे हिसाब से 15-20 दिन में वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल आ जाएगा। मतलब अगर ये चीज़ों में जल्दी डिसीजन नहीं होता तो भविष्य बहुत लोगों का खराब होगा। सर बहुत अच्छे से साल बोल रहे हैं सरकार की शिक्षा लेवल डाउन होगा, पर अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो उससे कहीं ज्यादा डाउन होगा, क्योंकि सर किसी का मार्च में किसी का अप्रैल में, तो उसमें जो है कंफ्यूजन है। तो एक साथ अगर प्रॉपर अगर टाइम टेबल दे दिया जाए ऑनलाइन मोड में किस तरह कराना है, और ऊपर से जब ऑनलाइन मोड होता भी है तो इन लोग जो है स्कूल वाले कॉलेज वाले जो ना किसी भी टाइम पे लिंक सेंड कर देते हैं, उसमें स्टूडेंट्स कहाँ प्रॉपर स्टेबल रहेंगे आप बताइए क्लास कक्षा में? सभी छात्र इस बार ऑनलाइन परीक्षा के लिए ही अपने आप को तैयार किए हैं। हाँ, इस तरह से जो छात्र हैं, जाहिर सी बात है जब एजुकेशन मिनिस्ट्री का एजुकेशन एरा है उसका एक फॉर्मेट बनता है जब जिस तरह से पढ़ाई करवाने का ऑनलाइन, जाहिर सी बात है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे स्कूल प्रबंधन ने भी पढ़ाई करवाई है। जो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई थी वो उसका जो स्ट्रक्चर्ड वे पे जो पढ़ाया जाना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हो पाया, और इसको ऑफलाइन परीक्षा को कंडक्ट किया गया जिससे बहुत बड़ी एक क्षति होगी और इनको जो पढ़ने का समय है वो भी बहुत कम मिल पाया है। साथ साथ गवर्नमेंट को इन चीजों में विचार करना चाहिए। नेशनल फर्स्ट एबीके न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशकांत तिवारी। सारा प्रोटेस्ट जो है खत्म हो चुका है, अब जो है मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ और कुछ इस तरह का व्यू है खत्म होने के बाद, तो चलिए फिर चलते आगे की तरफ। फ्रेशली गाइस, बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ और मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज में जो है पार्ट लेकर, भी देखते हैं आगे का व्यू किस तरह जो है हमें मिलता है ऑनलाइन के लिए। इसी के साथ गाइस मैं पहुंच गया हूं अपने घर के पास। आई होप कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसी के साथ आज के व्लॉग में बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब टू माई चैनल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।